गात नहीं। और याद रखना, मैं अपने जवानों से ये बात कहना चाहता हूं, जिसकी जिंदगी में माँ बाप की दुआ नहीं है, उसकी जिंदगी कभी पुरबहार नहीं हो सकती, उसकी जिंदगी खुशियों से माला माल नहीं हो सकती। आज इंसान सबकी दुआ लेना चाहता है, माँ बाप की दुआ नहीं लेना चाहता। मगर याद रखें, आपके लिए कोई भी बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा खतीब, बड़े से बड़ा अदीब अगर आपके लिए दुआ कर दे, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल करे, अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे। वो कादिर व कय्यूम बेनियाज है, वो चाहे जिसकी दुआ रद्द कर सकता है, उसके लिए उसको कोई पूछ नहीं सकता, उस पे कोई फर्ज वाजिब नहीं है। वो करम वो कबूल करे तो करम है, रद्द कर दे तो उसका अदल है। अल्लाह चाहे जिसकी दुआ रद्द कर दे, लेकिन सुनो सुनो, सबकी दुआ रद्द हो सकती है, किसी की दुआ की कबूलियत की गारंटी नहीं है, सिवाय एक दुआ के। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लेता है। हुजूर फरमाते हैं, दुआ वालिदही ले वलदी का दुआई लकुम, तुम्हारे बाप की दुआ तुम्हारे हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए हुआ करती है। जब कोई माँ अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो अल्लाह का अर्श जंबिश करने लगता है। अल्लाह फरमाता है, ए अर्श रुक जा। अर्श कहता है, कैसे रुकूं? आज एक माँ अपनी औलाद के लिए दुआ कर रही है, जब तक तू उसकी दुआ कबूल न करेगा मैं रुकना, मैं हिलना बंद नहीं करूंगा। कुदरत की तरफ से जवाब आता है, तूने हिलना बाद में शुरू किया, हमने तो उससे पहले उसकी दुआ को कबूल फरमा ली। आज हम ये समझते हैं, हम पांच वक्त के नमाजी है, नेक हो गए बहुत, मां नमाज नहीं पढ़ती उसकी दुआ में क्या असर हो गया। मां अगर नमाज नहीं पढ़ती तो भी उसकी दुआ की कबूलियत है, क्योंकि मां का मर्तबा नमाजी होने की वजह से नहीं है, मां का मर्तबा नेक होने की वजह से नहीं है, बल्कि मां का मर्तबा मां होने की वजह से है। एक सहाबिया बारगाह रिसालत में आके कहती है, आका मेरी मां शराब पीती है। सहाबिया कह रही, मेरी मां शराब पीती है, क्या मैं अपनी मां की खिदमत करूं? हुजूर फरमाते हां खिदमत कर। अर्ज की, हुजूर वो शराब पीने के लिए मैखाने में जाती है। हुजूर फरमाते मोहब्बत से समझा, और अगर ना माने, जब वो शराब पी के बेहोश हो जाए तो अदब से उसको उठा कर ला और उसके बिस्तर पे लेटा दे। ये इस्लाम की तालीम है, लेकिन आज माँ बाप के साथ उसने सलूक नहीं है। माँ बाप को घर का कचरा समझा जाता है, माँ बाप को जलील और रुस्वा किया जाता है। याद रखना, हमेशा जवान नहीं रहोगे, जिस दिन तुम्हारी जवानी ढलेगी तुम भी बाप बनोगे, खवातीन भी मां बनेगी। तुमने अपनी औलाद के साथ जैसा सलूक किया, तुम्हारी औलाद इससे बदतर तुम्हारे साथ सलूक करेगी। तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे, जैसा सलूक करोगे, अगर उनको सताया इससे ज्यादा तुम सताए जाओगे, और तुमने उनकी खिदमत की तो इससे ज्यादा तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। ये बड़े अजीम लोग हैं। मां बाप का झुर्री पड़ा हुआ चेहरा देखना वो सवाब का दर्जा है, कि किसी खूबसूरत को देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता जो मां बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरे को देख के सवाब मिलता है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन ये चेहरे कब्रों में चले जाएंगे ना, फिर इन चेहरों को तरसोगे तो ये चेहरे कभी ख्वाब में भी नजर नहीं आएंगे। ये चेहरे हर इबादत की कजा है। मैं अपने अहले इल्म दोस्तों से तवज्जो चाहता हूं, गलती करूं तो मेरी सलाह करें। हर इबादत की कजा है। इशा नहीं पड़ी, कभी एहसास हो गया कि मैंने फरवरी की 2019 की 9 तारीख की इशा नहीं पड़ी थी। जिंदगी में जिस दिन एहसास हो जाए उस दिन पढ़ो, उसकी कजा है। 10 तारीख की फजर नहीं पड़ी थी, जिस दिन एहसास हो जाए पढ़ लिया, जिंदगी भर में उसकी कजा है। हर इबादत की कजा है। मां बाप का चेहरा देखना वो इबादत है, उसकी कभी कजा नहीं हो सकती, उसकी कभी कजा नहीं हो सकती। और जिंदगी में जिस दिन मां बाप नहीं होंगे उस दिन आपको अपने मां बाप याद आएंगे। अरे मैं क्या,
मैं क्या और आप क्या, अपनी क्या औकात और अपनी क्या हैसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जिंदगी में कई मरतबा अपने माँ बाप याद आए। अगर हर मौके का जिक्र करूं तो एक तवील वक्त चाहिए, लेकिन तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई बार हुजूर को वालदैन याद आए, लेकिन एक मकाम पर हुजूर एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को जब माँ बाप की याद आती थी तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते। हुजूर को जाहिर सी बात है जो रहमतुल्लिल आलमीन हो, जो सबसे प्यार करते हो, वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो, और हुजूर के माँ बाप जैसे माँ बाप होने की हैसियत से किसी के नहीं है। अगर बात हुजूर के वालदैन की आई है तो मुझे हुजूर की अम्मी जान की याद आ गई। हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना, जब लोग दौरे जहालत में जीते थे तो उस वक्त हुजूर की अम्मी के पास इतना इल्म था कि हुजूर की अम्मी शायरी करती थी, शायरा थी हुजूर की अम्मी जान, उनकी शायरी किताबों के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ी दानिश्वर थी हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा। बल्कि हुजूर की अम्मी की याद आई है तो मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता था लेकिन एक बात और याद आई। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र जब 6 साल की हुई तो उस वक्त हुजूर की अम्मी का विसाल हो गया, हुजूर की वालदा का विसाल हो गया। विसाल का सबब यह चीज बनी कि हुजूर की उम्र 6 साल की थी, हुजूर की अम्मी जान ने कहा मेरे शहजादे मोहम्मद, तुमने अपने वालिद की जियारत नहीं की है, एक काम करो कि तुम्हारे वालिद की कब्र यसरब में है, यानी मौजूदा मदीना मुनव्वरा, उस वक्त वो मदीना नहीं बना था, यसरब उस कहलाता, यसरब में है तुम्हारे अब्बा की कब्र, चलो तुमने बाप का चेहरा तो नहीं देखा, तुमको वालिद के मजार की जियारत करा करके लाती हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र में पहला सफर करते हैं, हुजूर का ये पहला सफर है 6 साल की उम्र में, और 6 साल की उम्र में पहला सफर हज के लिए नहीं है, तिजारत के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, बल्कि मजार की जियारत के लिए। बड़ी माजरत के साथ जो दोस्त कब्रों के मुखालिफ हैं, मजारात की जियारत के मुखालिफ हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हुजूर ने तो जिंदगी का पहला सफर मजारे मुकद्दस की जियारत के लिए किया, और वो भी अपने वालिद के मजार की जियारत के लिए। 6 साल की उम्र में हुजूर अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी ठीक है। दरअसल बात ये थी कि हुजूर अपनी माँ के पेट में थे और सिर्फ 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के अंदर अमल की शक्ल में थे, हुजूर के वालिद का विसाल हो, हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। वो तिजारत के लिए गए थे, मुल्क शाम से वापस लौट रहे थे जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो उनकी ननियाल में रुके, बीमार हुए और वहीं पर आपका विसाल हो गया। तो हुजूर की अम्मी ने कहा था बेटा चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारे वालिद की मजार की जियारत करा दूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिफ से इजाजत ली, और इजाजत लेकर के 3 नफरी काफिला, हजरत सैयदा आमिना और उनकी कनीज उम्मे ऐमन और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तीनों चल पड़े मदीने शरीफ की तरफ। अब मैं उसको यसरब नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ यसरब कहना बेअदबी है, लेकिन अब आप समझ लें कि वो यसरब पुराना नाम है और अभी वो मदीना नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैं मदीना मुनव्वरा कहूंगा। तो सरकार चले, 1 महीने तक हुजूर ने अपनी अम्मी के साथ वहां क़याम किया बचपने में 6 साल की उम्र में, और कब्र वालिद की कब्र पर जाते अम्मी के साथ। जब रुखसती का वक्त आया कि अब जाना है मक्कतुल मुकर्रमा, तो हुजूर की अम्मी कभी अपने शौहर की कब्र को देखती है और कभी हुजूर के चेहरे को देखती है, और शौहर का सदमा, हुजूर की अम्मी जान की उम्र अभी 18-19 साल ही थी कि वो बेवा हो गई। 18-19 साल की उम्र में बेवगी आखिर क्या चीज होती है, सोचे ना जरा। अगर कोई औरत 19 साल की उम्र में यतीम हो जाए तो उसको उतना सदमा नहीं होता जितना उसको बेवा होने का सदमा। हुजूर की अम्मी बेवा हुई है इतनी छोटी सी उम्र में,
और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया, यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती है, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती है। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे, जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतलईल फजरे हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं, आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं। तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा, गोद में आलम शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती है और अशआर पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मेमन से कहती हूं, उम्मेमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो मेमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी मां के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे मां को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर है। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मेमन को देखती है और रोती है। हुजूर मां को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, मां तुम क्यों रो रही हो? मैं जब भी अपनी मां को मां कहता हूं तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूं कि मेरे नबी ने आमिना को मां कहके पुकारा, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी मां को मां कहते हैं। बस मां को मां कहने की वजह यह है कि मेरे महबूब ने आमिना को मां कह करके पुकारा है। और अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिसको पुकारती है, सारी कायनात जिसको पुकारती है, उसने आमिना को पुकारा है। ये मेरे नबी की मां की शान है, ये मेरे नबी की मां का मकाम है। हजरत आमिना खातून देखती हुजूर, कहते अम्मी तुम क्यों रो रही हो? तो उम्मेमन का हाथ पकड़कर चेहरा रसूल का देखकर कहती है, उम्मेमन अब मैं बचूंगी नहीं, ये मेरी आखिरी साहते हैं, मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मैंने बड़े शान वाले बेटे को जन्म दिया है, इसको संभाल कर मक्का ले जाना मेरी अमानत को। आमिना खातून कहती, उम्मेमन मेरा बेटा वो है कि मशरिक से लेके मगरिब तक जिसकी शान के डंके बजेंगे। अरे तकबीर, लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं कि अल्लाह के रसूल है। हुजूर की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा वो है कि मशरिक और मगरिब में जिसकी अजमत के डंके बजेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद किस शान से नबी की अम्मी दुनिया से जाती है। इमाम ज़ुरकानी ने लिखा है कि हुजूर की नात पढ़ते हुए वो दुनिया से, हुजूर की नात, हुजूर की नात इस उम्मत में सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। हुजूर की नात सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। नात लिखना ये हुजूर के घर वालों का तरीका है। हुजूर के घर से हुजूर की नात, सबसे पहले नात हुजूर के घर में लिखी गई, या तो हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब ने नात लिखी या हुजूर की अम्मी जनाब आमिना ने हुजूर की नात लिखी। अब हजरत आमिना ने क्या लिखा, हजरत आमिना के जो अशआर है उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। वो कहती हैं, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को जवाल आएगा। फरमाती है, मगर मुझे कोई भुला नहीं सकेगा, मुझे कोई भुला नहीं सकेगा। जरा देखिए तो क्यों नहीं भुलाएगा? वहाब की बेटी है इसलिए, अब्दुल मुत्तलिब की बहू है इसलिए, अब्दुल्ला
दुनिया की बीवी है, इसलिए अरब की खातून है, इसलिए कुरैशी है, इसलिए कहती है कि मुझे बुलाया नहीं जाएगा। हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को जवाल आएगा, मुझे बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इसकी वजह से मेरा तस्करा मशरिक़ और मग़रिब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसकी वजह से मेरे बेटे का फैजान दुनिया में आम होगा। गोया के नबी की नबूवत का और किस शान से दुनिया से जा रही है, रसूल के चेहरे पे नजर है, ज़बानों पे नाते मुस्तफा है, और इसी शान से वो दुनिया से रुखसत होती है, रोते हुए अचानक आंखें बंद हो जाती है। जब माँ की आवाज बंद हो गई और आंखें बंद हो गई, हुजूर अपनी माँ को इलाज, अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? एक 6 साल के पैगंबर के जज्बात थे, मासूम जज्बात, अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं? मेमन ने हुजूर को पकड़ के सीने से लगाया, कहा शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो दुनिया से चले जाते हैं, मेरा ईमान है। खैर से उम्मे ऐमन ने हुजूर को मना कर दिया। अल्लाह की इसमें हजारा हिकमतें थी। अगर हुजूर दूसरी मर्तबा बोल देते ना कि अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं, तो तारीख गवाह हो जाती कि हुजूर की मां बोल पड़ती। जिसके इशारे से संग रेजे बोलते हैं, जिसके इशारे से पागल ऊंट बोलते हैं, जिससे हरनी बातें करती है, मेमन ने कह दिया शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, बल्कि उनको फिर कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो मां को कब्र में रखना है, मैं अपने अल्फाज के जामे में तारीखी हवाले पढ़ रहा हूं कि मां को कब्र में रखना है। तो हुजूर ने नन्ना सा पत्थर अपने हाथ में लिया, नन्ने से गोरे गोरे खूबसूरत हाथों में, और उस टीले को मेमन के साथ खोदना शुरू किया। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया और हुजूर के हाथों पर वो टीला नरम हो गया। मेमन के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल ने मां की कब्र खोदी। शायद ये पहली और आखिरी कब्र थी जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से खोदी थी, और खोद करके फिर मां को लिटा दिया और मिट्टी बराबर कर दी। मेमन हुजूर को देखती है और कहती है चलो मक्के चलना है। हुजूर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, मेमन मेरी अम्मी, मेमन मेरी अम्मी। मेमन ने कहा शहजादे मकाम अबुआ में कयामत तक तेरी मां को हम छोड़ जाते। जैसे हाथ पकड़ा और नीचे उतरी, हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया। मेमन कहती हुजूर ने हाथ छुड़ा दिया और दौड़ते हुए कहीं चले गए, मैं ढूंढने लगी कहीं नहीं मिले। जब मुझे कहीं नहीं मिले पे परेशान हो गई, आमिना की अमानत कहां चली गई, आमिना की अमानत कहां चली गई? जब मैं ढूंढ चुकी कहीं नहीं मिले, तो मैं टीले पे चढ़ी तो क्या देखा कि हुजूर मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, मां की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं। और मैंने ये जुमले सुने कि अम्मी तुम्हें तो मालूम था ना कि सबका कोई ना कोई है, मेरा तो तुम्हारे सिवा और कौन है, तुम भी मुझे छोड़ करके चली, बाप तो पहले ही चले गए थे, तुम भी छोड़कर रास्ते में चली। रो रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम। मेमन कहती मैंने उठाया और कहा कि चलिए चलिए, यहां तक के हुजूर को मैं लेकर चली। हुजूर पलट पलट कर रोते थे और मां की कब्र की तरफ देख, ये मां है। आज जिन माओं की कदर आपके हमारे पास नहीं है, मां है। पता नहीं मेमन ने किस तरीके से हुजूर के आंसुओं को खुश्क किया, चुप कराया, कैसे तसल्ली दी, कैसे हौसला दिया, कैसे हिम्मत दी, ये मेमन जाने हुजूर जाने। हुजूर बार बार अपनी मां को याद करते रहे। एक दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में जलवागर हैं, सहाबा अपने अपने कामों में मसरूफ है। हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश खामोश आंसुओं से रो रहे, हुजूर की आंखों में आंसू है।
साहबे किराम की आदत थी, जब हुजूर मजमे में होते या महफिल में होते तो साहबा हुजूर ही को देखते रहते। जब सरकार को रोते हुए साहबा ने देखा तो दौड़ पड़े हुजूर की तरफ, क्योंकि हुजूर की तकलीफ उनको अपनी तकलीफ से ज्यादा गिरा थी और हुजूर की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा पसंद थी। मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे पास व्हाट्सएप के लिए टाइम है ना, बूढ़े माँ बाप के लिए टाइम नहीं है ना आपके पास। खेलते रहो व्हाट्सएप, देखते रहो फिल्में, रात के 3-3 बजे तक फेसबुक पे टाइम पास करते रहो, दोस्तों के साथ घूमते रहो। जिस दिन तुम्हारी माँ का चेहरा कफन में छुप जाएगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी नेमत खोई है। दुनिया की हर नेमत खो करके तुम्हें वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप उस नेमत को कहते हैं जो एक बार खो जाए फिर वापस वो नेमत नहीं मिलती। उस नामुराद के दिल से जाकर के पूछो जिसके माँ बाप नहीं है और उन्होंने माँ बाप को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। आज वो बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, आज वो तन्हाइयों में पछताते हैं, आज वो अपने आप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जो गलती उनसे हुई वो गलती खुदा के लिए आप न करें। आप अपने माँ बाप से माफी मांगे, उन्हें राजी करें, उन्हें टाइम दे, उन्हें वक्त दे, उनकी खुशियों के लिए हर कड़वा घूंट पी ले, लेकिन उनको कभी नाराज न करें। अल्लाह के रसूल मस्जिद के कोने में बैठ करके रो रहे, साहबा दौड़ पड़े, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप क्यों रो रहे, आपके रोने की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं, अच्छा हिजरत हुजूर ने 53 साल की उम्र में की है ना, 53 साल, इसका मतलब ये वाकया 53 साल के बाद का है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र अब 53 साल के ऊपर पहुंच गई है और उस वक्त हुजूर माँ को याद करके रो रहे। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे आप? सरकार फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। हुजूर फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, जैसी हजरत आमिना का नाम याद। वो आमिना किसी का बेटा वली, किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, आमिना का बेटा महबूब खुदा। या सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, लोग कहते हैं ये सुन्नी उलमा गैर सुन्नियों से लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है ना, इन लोगों ने जो गैर सुन्नी है, मेरे नबी की माँ पे कुफ्र का फतवा दिया और कहा कि नबी की माँ काफिरा थी, नबी के बाप काफिर थे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतनी बात कि जो नबी के माँ बाप को काफिर कहें, हम उनको इमाम कैसे बनाएं, उनसे रिश्तेदारियां कैसे करें, उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ें, उनके पीछे खड़े कैसे हों? हम दाढ़ियां नहीं देखेंगे ना, हम टोपियां नहीं देखेंगे, हम कलम से लिखे हुए अल्फाज भी तो देखेंगे, किताबों में लिखे हुए सबूत भी तो देखेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ने से पहले देख लिया करो, नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाला इमाम है या नबी के माँ बाप पे कुर्बान होने वाला इमाम है। इसलिए कि शफात आपको भी लेनी है, शफात मुझे भी लेनी है। कियामत के दिन अगर तुम नबी से शफात की भीख मांगने के लिए गए और हुजूर ने कह दिया जो मेरी माँ को काफिर कहता था तो उसके पीछे नमाज पढ़ता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपके ईमान पर छोड़ना चाहता हूं। हुजूर मस्जिद के कोने में बैठ कर रोते हैं और सरकार से पूछा गया हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। साहबा सब मिलकर रोने लगे, हुजूर के साथ रोने में शामिल हो गए। हुजूर की अम्मी याद आई है, आज नबी को अपनी वालिदा याद आई, मां याद आई है नबी को। फिर रोते रोते हुजूर अलैहि सलाम को कुछ इफाका होता है तो सरकार अपने सहाबा से कहते हैं, ए मेरे सहाबा, इस वक्त मेरी माँ हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता, कैसा होता, क्या हाल होता? सहाबा कहते हुजूर क्या होता? आका फरमाते मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी अम्मी मुझे आवाज देती,
मोहम्मद इधर आओ, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मेरी मां मुझे आवाज देती, सरकार फरमाते मैं क्या करता, साहबा ने कहा क्या करते, हुजूर फरमाते मैं नमाज को छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी मां की बारगाह में पहुंच। ये मां है, ये मां का मर्तबा है। लेकिन आज मेरा जवान केरम छोड़कर के मां के पास आने के लिए तैयार, मोबाइल का गेम छोड़ के अपनी मां के पास, बाप के पास आने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर फरमाते जो मां बाप की नाफरमानी करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। याद रखना, कितने भी बड़े मनसब पे फाइज हो जाओ, मां बाप से तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते। जनाबे मूसा से अल्लाह ने कहा था, मूसा जरा संभल कर आना। अर्ज की, मौला तूर पर तो हमेशा आता हूं, पहली बार तो नहीं आया। इरशाद हुआ, जब तुम घर से निकलते थे तो मां आंचल पसार के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में गुस्सा और जलाल ज्यादा है, अगर तुझसे कलाम करते हुए आवाज ऊंची हो जाए तो तू दरगुजर कर देना, दरगुजर कर देना आवाज ऊंची हो जाए तो। मूसा अब तेरे पीछे दुआ करने वाली मां नहीं रही, इसलिए कहा जा रहा है जरा संभल कर आना। अल्लाह के कलीम को कहा जाता है पीठ के पीछे दुआ करने वाली मां अब तेरे घर में नहीं है तो जरा संभल कर आना। गौर तो करें आप, नबी से कहा जा रहा है, मां की दुआ क्या है? सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए बद्दुआ करे, तन्हा मां दुआ करे। अल्लाह मां की दुआ कबूल करे, सबकी बद्दुआ रद्द कर दे, और तन्हा मां बद्दुआ करे और पूरी दुनिया मिलकर दुआ करे तो अल्लाह सबकी दुआ रद्द कर दे, मां की बद्दुआ कबूल कर। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल में चल रहे, चलते चलते थक गए। अल्लाह से कहते मौला थक गया हूं, सवारी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया एक मेरा बंदा है उससे जाकर कहो। हजरत मूसा गए, उससे कहा मेरे पास सवारी नहीं है। उसने दुआ की, अल्लाह बादल जमीन पे भेज ताकि मैं तेरे इस बंदे के लिए सवारी का इंतजाम करूं। बादल जमीन पे उतर आया, उसने कहा जनाब चढ़िए, और बादल पे चढ़ करके जहां चाहना चाहते जाइए। हजरत मूसा बादल पे सवार हो गए, बादल चल पड़ा। अर्ज की, मौला कितना नेक बंदा ये, इसकी दुआ से बादल जमीन पे आया। इरशाद हुआ, मूसा कोई अमल ही नहीं है इसका, ये नेक नहीं है जिसको तू नेक समझ रहा है। फिर मौला इसकी दुआ की इतनी अहमियत? इरशाद हुआ, उसने तो बादल बुलाया, अगर आसमान भी जमीन पे बुलाने की दुआ करता तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार देते। अर्ज की, जब ये नेक नहीं है, इतना नेक नहीं है तो इसकी दुआ की अहमियत क्यों है? कि इसकी नेकी की वजह से नहीं, ये हमेशा अपनी मां की खिदमत करता था और मां को खुश कर दिया था। मां ने मरते मरते कहा ला, इसने मेरी खिदमत का हक अदा कर दिया, ये जब भी तुझसे जो दुआ करे तो इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। इसकी मां की दुआ की बरकत है, इसकी मां की दुआ की नेकी कुछ नहीं है ज्यादा, इसके पास मां की दुआ की बरकत है। हुजूर फरमाते हैं जो मां बाप की नाफरमानी करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे, बल्कि जिससे मां बाप नाराज हो वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होगा तो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है, अगर कोई शहीद हो जाए ना, शहीद और मां बाप या दोनों में से कोई एक नाराज हो तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, मगर चूंकि वो शहीद हुआ है तो जहन्नम में भी नहीं जाएगा, जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम आराफ है, वहां रखा जाएगा। फिर अल्लाह उसके मां बाप को पहले राजी करेगा, जब तक मां बाप राजी नहीं होंगे उस शहीद को जन्नत नहीं मिलेगी। सोचो, शहीद होकर भी मां बाप की रजा के बगैर जन्नत नहीं मिलती, तो हमें अल्लाह अकबर, सोचिए तो सही। और अपनी गुफ्तगू को एंड पर पहुंचाने के लिए एक बात आपसे कहूं, यार जो मां बाप का गुस्ताख हो, तवज्जो आपकी, ध्यान है आपका, है? जब मां बाप का कोई गुस्ताख हो, कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, हज करके, जकात दे के, शहीद होकर भी मां बाप की गुस्ताखी की वजह से जन्नत में नहीं जा रहा है तो जो रसूल पाक का गुस्ताख हो वो कलमा पढ़ के जन्नत में कैसे जा सकता है?
माँ बाप से बड़ा मर्तबा नबी का है ना। लोग कहते हैं कैसी बात करते हैं मौलाना आप, कलमा पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे। अरे कलमा पढ़ के माँ बाप की गुस्ताखी किए तो जन्नत नहीं मिलेगी, तो कलमा पढ़ के नबी की गुस्ताखी किए तो जन्नत कैसे मिल सके। दो बातें हो गई, शराब के आदि को जन्नत की खुशबू नहीं, माँ बाप के नाफरमान को जन्नत की खुशबू नहीं, और कोई किसी पे एहसान करे, तीसरा कोई किसी पे एहसान करे और एहसान करके एहसान जताए, एहसान करके एहसान जताए, अल्लाह उसको भी जन्नत की खुशबू नहीं अता करेगा। मतलब क्या, किसी गरीब की मदद की,